नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे बगिया हार्ट एंड रूट्स में। दोस्तों, आज मैं ये वर्ली आर्ट का वीडियो शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे बच्चों ने इसे किया था। मतलब अपने वॉल पे, मंदिर के वॉल पे सजाया हुआ था, आप देख सकते हैं। पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। और ये देखिए, मेरी दोनों बेटियों ने बहुत ही अच्छे तरीके से वर्ली आर्ट मेरे मंदिर के वॉल, बाहर के वॉल पे बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया हुआ है, वो कर रहे हैं। और अपने से खुद का पेंटिंग अगर कर लें और अपने से खुद से ही अपने दीवार, मतलब गार्डन को या वॉल को खुद से डेकोरेट करें तो एक क्रिएटिविटी हो जाती है और बहुत ही अच्छे से। बच्चे भी हमको वीडियो बनाने, वॉइस ओवर भी नहीं करने देते हैं। और आइए उन्हीं के मुंह से ये बातें आपको मैं एक्सप्लेन कराती हूँ कि वर्ली आर्ट कैसे बनाए जाते हैं और क्या इसका मतलब है। नमस्कार, जैसा कि मम्मी ने कहा कि वर्ली आर्ट क्या होता है और किस तरह से इसको लाया गया था इसके बारे में बताने को, तो आइए मैं बताती हूँ आपको। तो ये जो हम, मेरी छोटी वाली बहन है, वो बना रही है वर्ली आर्ट। बहुत मेहनत किया इसने। हम लोगों ने मिलकर डिसाइड किया था कि इसको थोड़ा इनोवेटिव करेंगे और इसको थोड़ा सा क्रिएटिवली लाएंगे इसमें। तो हम लोगों ने कलर्स यूज़ किया है बहुत सारे, सिंस वर्ली आर्ट को दो कलर में बनाया जाता था स्टार्टिंग में, जो अर्थ ब्राउन और चावल के पेस्ट का यूज़ करके वाइट कलर इसमें डाला जाता था। तो पहले तो ये दोनों कलर से बनते थे, लेकिन ये जो है हम लोगों ने इसमें कलर्स यूज डाले हैं ताकि थोड़ा सा दिखे अच्छा। और इसके वर्ली आर्ट में एक चीज़ और था कि ये उन घरों में बनाया जाता था जहाँ पर शादी वादी होती थी, या फिर लोगों को, मतलब अपने शहर को या अपने घरों को अच्छा दिखाना के लिए भी बनाया जाता था। यहाँ वर्ली आर्ट में मेनली क्या होता है कि आप देखिए, आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे कि लोग ढोलक लेके डांस करते हुए इमेजेस रहती हैं, और उसमें मतलब औरतें रहती हैं डांस करते हुए, तो मतलब डांसिंग जैसे माहौल का दिखाया गया है। सिंस ये जो कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे महाराष्ट्र से ओरिजिन से है, ये महाराष्ट्र का है, तो वहाँ पे उत्तरी आदिवासी लोग जो हैं इसको इंट्रोड्यूस किए थे, मतलब ये हिस्टोरिक है। तो यहाँ से पता चला कि ये वर्ली आर्ट क्या होता है और कैसे होता है, किस तरह से बनाया जाता है। तो फिर उसके बाद वो जो है धीरे 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 लोगों में जानने को हुआ और उत्सुकता बढ़ी, तो लोग इसको यूज़ करने लगे, बनाने लगे। बहुत सारी जगहों पर देखा गया है कि इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, बनाया जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी इसको हम लोग बना रहे हैं और ये कलर्स पर डाले जा रहे हैं। हम झोपड़पट्टी भी बनाए जाते हैं ताकि, मतलब एक घरों को जिस तरह से सुंदर दिखाया जाता है, हम लोग अपनी तरह पेंटिंग बनाते हैं। तो उस समय क्या होता था कि फ़िलहाल तो हम लोग कैनवास यूज़ करते हैं, वॉल यूज़ करते हैं। उस समय गुफाएं होती थी, घर होते थे, झोपड़पट्टी होती थी, तो मिट्टियों के घर में जो मिट्टियाँ होती थी उस पर बनाया जाता था। ये मतलब अगर पुरानी सभ्यताओं पर जाएँ तो हम लोग की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता नहीं है। फिलहाल आप देख रहे हैं कि दो डांस करते हुए लड़कियों को बना के दिखा रही है मेरी सिस्टर, और नीचे झोपड़ी टाइप का बनाया है और उसके नीचे दो लोग हैं जो ढोल बजाते हुए, ड्रम्स बजाते हुए हैं, और उसके नीचे डांस कर रही हैं दो लड़कियां, और इस तरह से दिखाया जाता था। वर्ली के बारे में एक महत्वपूर्ण चीज़ और मैं बताती हूँ। वर्ली जो है ना, ये जनजाति थी। ये जनजाति महाराष्ट्र और गुजरात के सीमा के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती थी, और ये पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाया जाता था पश्चिमी भारत के। तो ये जो जनजाति थी, इन लोगों का ये मतलब एक जैसे कुटुंब था कि ये लोग एक साथ रहते थे। इन लोग का एक मतलब कबीला टाइप का आप कह लें तो उस तरह से होता था। तो वहाँ के लोग अपने हिसाब से जिस तरह से रहते थे, उस चीज़ को दर्शाने के लिए उन लोगों ने ये सारी चीज़ें शुरू की थी। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, और इसमें खास ये होता है कि मेनली जो इसमें है कि इसमें देवी देवताओं के चित्रों को नहीं दिखाया जाता है। आपने अगर देखा होगा तो एक सर्कल के रूप में भी इसकी पेंटिंग मेनली मतलब इंटरनेट पे दिख जाती है। तो उसमें क्या होता है, भगवान पालघाट को आमतौर पे चित्रों में दर्शाया जाता है। भगवान पालघाट को ये लोग बहुत मानते थे, और इनका, इनकी सभ्यता के हिसाब से इनका भगवान पालघाट को हमेशा इनके चित्रों में दर्शाना मुख्य रूप से जरूरी होता था। और ये सारी चीज़ें जो थी, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं बता देती हूँ
कि ये जो वर्ली आर्ट पेंटिंग है ये पट्टा चित्र पेंटिंग कहलाती है। पट्टा चित्र पेंटिंग कह ले तो ये भी एक तरह का मतलब कला रूपों में पाया जाता है, मतलब लोक कला रूपों में। और अभी फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी आप पेंटिंग एंजॉय कीजिए, मतलब किस तरह से बना है ये देखिए, और बाकी आगे का मम्मी एक्सप्लेन करेगी। फिलहाल के लिए गार्डन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक शेयर जरूर करिएगा और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए मम्मी को। थैंक यू। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगी कि ये पूरा कंप्लीट होने के बाद कैसा लगता है और किस हिसाब से हम लोगों ने इसको बनाया है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा और सपोर्ट करिएगा। और एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि हम लोग अपने चैनल पे एक सीरीज डालने वाले हैं जो प्लांटेशन सीरीज होगी विंटर गार्डनिंग की। तो फिलहाल नेक्स्ट वीक से ये सारी सीरीज स्टार्ट हो जाएगी अपलोड होना। तो अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर जरूर करिएगा और अपने कमेंट्स जरूर हमेशा डालते रहिएगा, जिससे हमें पता चलता रहे कि आप लोग हमेशा हमारे वीडियोस को एक अपनी राय देते रहते हैं। तो ये देखते रहिए और हमारी प्लांटेशन विंटर सिटीज को भी फॉलो करिएगा क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको जानने मिलेगी और नॉलेजेबल चीज़ें होंगी जो आपको कभी कभी हेल्प भी करेंगी। दोस्तों, वर्ली आर्ट के बारे में मेरी बेटी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है और आप भी अपने घरों में इसी तरह बना के और डेकोरेट कर सकते हैं अपने गार्डन के पीछे की वॉल पे या फिर किसी वेस्ट मटेरियल पे भी आप छोटे छोटे वर्ली आर्ट बनाइए और अपने गार्डन को सजाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से मेरी दोनों बेटियों ने वर्ली आर्ट बना दिया है और मेरा मंदिर का वॉल बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। वीडियो कैसा लगा एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और मेरे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट करके बताइएगा कि मेरे बच्चों ने कैसा ये वर्ली आर्ट बनाया है। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।